न्यूली मैरिड कपल को विश करने के लिए प्यार और शादी के बारे में टिप्स देने के लिए हमारी रागनी मैम से अच्छा और कोई नहीं हो सकता। मैम, मैं प्लीज कुछ बोलिए ना। टोस्ट 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 टोस्ट। अब मैं क्या कहूँ? लोग कहते हैं कि पति और पत्नी को एक साथ जीने के लिए समझौता करना होता है, मगर मेरा मानना है कि जीने के लिए समझौता नहीं, एक दूसरे का भरोसा जरूरी है। यही सच है। तालियों की आवाज से तो मैं भूल ही गई कि मुझे क्या बोलना है। आई एम स्टक। एक पत्नी के रूप से इस वक्त, इस पल, अपने तन, अपने मन और आत्मा से जो सुकून और खुशी, प्यार, सेटिस्फैक्शन मुझे मिला है, भगवान से मेरी दुआ है कि वही सब कुछ तुम दोनों को भी मिले। मैंने तुम्हें टैप लैंग्वेज बताकर गलती की। अब तुम मुंह से कम और थप थप से ज्यादा बात करती हो। आज तो तुम पार्टी में छा गई है। वो सब इंप्रेस करने के लिए कहा या जो कुछ कहा वो सच था? आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा सच बोलने की हिम्मत नहीं की और ना ही कभी आगे कर पाऊंगी। मेरे लिए तुम्हारे साथ रहना खुशी नहीं है, क्योंकि मेरी तो खुशी ही तुम हो। तो फिर वादा करो अगले 3 महीने तुम मेरे साथ रहोगे। रेड अलर्ट का मतलब मैं अच्छे से जानती हूँ। आप जाने की तैयारी कीजिए। आप बताओ क्या खतरा है? शॉन, स्ट्रीम विजुअल्स। ये बर्लिन में आया भूकंप 8.5 रिक्टर, ये नैरोबी में आया भूकंप 7.5 रिक्टर, ये सिडनी में आया भूकंप 8.7 रिक्टर। ये एरिया साइज़मिक ज़ोन के बाहर है, यहाँ भूकंप आने का कोई चांस नहीं। ये हुआ कैसे? अभी बताता हूँ। माइक, इसकी वजह इन इलाकों में जमीन के नीचे छुपा ये 3 प्लूटोनियम बॉम्ब हैं। इसे कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है, और जिस चीज से इसे ऑपरेट किया जाता है उसे वेपन ड्राइव कहते हैं। मौजूदा पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब के मुकाबले इसमें पूरी दुनिया में भूकंप लाने के लिए 100 गुना ज्यादा शक्ति है। ये तीनों वेपन्स इंटरनेशनल वेपन माफिया के कब्जे में है। इस मैनमेड अर्थक्वेक को दुनिया के हर कोने में करवाने के लिए मेडिकल कंपनीज और कंस्ट्रक्शन कंपनीज पैसा लगाती है, क्योंकि भूकंप के बाद जो नुकसान होता है उसका फायदा इन्हीं 2 कंपनीज को होता है। दे आर मर्डरर्स। समझ गया। जब इन वेपन्स को जमीन के अंदर दफनाकर ब्लास्ट किया जाता है तभी होता है मैनमेड अर्थक्वेक। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल असली भूकंप लगता है। अभी जो भूकंप जकार्ता में आया था वो भी इसी की वजह से था। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि एक वेपन ऑस्ट्रेलिया में तो दूसरा जर्मनी में दफनाया गया है, और वो कभी भी फट सकते हैं। किसी भी प्लूटोनियम वेपन को डेटोनेट करने से पहले सीक्रेट कोड लगता है। वो कोड उन्हें कहां से मिला? एक कंप्यूटर हैकर की मदद से उन्होंने सीक्रेट कोड हैक किया। हैकर? नाम नताशा, ठिकाना बल्गेरिया, उम्र 21 साल। इसी के पास उस वेपन का कोड है। ये जानते हुए भी हम उसे ट्रेस नहीं कर पाए, उसने जकार्ता वाला बॉम्ब डेटोनेट कर दिया। लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि इतनी कम उम्र की लड़की इस इंटरनेशनल माफिया के बीच कैसे पहुंच गई, और अगले 2 वेपन को चलाने के कोड भी उसी के पास है। नीड टू फाइंड हर। ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है। इसमें टेररिस्ट और बिजनेसमैन शामिल है। अगर ये न्यूज बाहर लीक हुई तो इस बात को लेकर वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। ऑलराइट। CIA के 4 लोग, FBI के 5 लोग, इंटरपोल के 3 लोग, ये सारे लोग नताशा को पकड़ने गए थे, मगर इनमें से कोई भी जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। कब जाना होगा मुझे? आने वाले 50 घंटों में अगर हमने उसे ढूंढ कर नहीं निकाला तो इस दुनिया को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। दुनिया भर की सीक्रेट सर्विसेज से लेकर इंटरनेशनल माफिया तक सब इसे ढूंढ रहे हैं। ये लड़की जिस किसी के भी हाथ लगेगी वो फैसला करेगा कि इस वेपन को ब्लास्ट करना है या डिफ्यूज। द रेस इज ऑन। ए
करने के? मिशन का नाम क्या है? ऑपरेशन डॉन। टाइम चार्ट लॉक कर दिया? इट्स लॉक्ड। गाइस, लॉक है। इस टाइम चार्ट की मदद से तुम्हारी लोकेशन हमें पता चलेगी और हमारी लोकेशन तुम्हें। अभी तक तुम सिर्फ मौत से लड़े हो, मगर अब तुम्हें वक्त से भी लड़ना है। ख्याल रखना मेरे दोस्त। हाँ जरूर। नया असाइनमेंट, अभी जाना है ना। बुलेट प्रूफ जैकेट रख दी है, गन, होल्स्टर सब पैक कर दिए हैं, 3 जोड़ी कपड़े भी रख दिए हैं, काफी होंगे ना। क्या तुम्हें इस बात से तकलीफ नहीं होती कि तुमने ऐसे आदमी से शादी की जो 24 घंटे ड्यूटी करता है? हर पत्नी को चिंता होती है कि उसका पति अपनी ड्यूटी से घर आएगा कि नहीं, लेकिन मुझे चिंता होती है कि मेरा पति जिंदा वापस आएगा कि नहीं। कई बार सोचती हूं आपके इस प्रोफेशन के बारे में फिक्र होती है, मगर जब ये सोचती हूं कि ये काम सिर्फ मेरा पति कर सकता है तो खुद पर गर्व महसूस होता है और आप पर भी। इस डर और गर्व के बीच में अपनी जिंदगी जी रही हूं। आपने वादा किया है ना इस मिशन को पूरा करने का? किया है। तो फिर आप जरूर पूरा करेंगे, आप जो कहते हैं वही करते हैं। मैं कितना काबिल हूं ये मैं नहीं जानता, मगर अपने मिशन को अंजाम देकर ही मैं लौटूंगा। ये जो यकीन तुमने मुझ पर रखा है, ये यकीन ही मुझे हर दिन जीतने की ताकत देता है। एके, आज तक हम दोनों के लिए प्यार सिर्फ एक एहसास था, लेकिन अब उस एहसास में जान आ गई है और वो मेरी कोख में पल रही है। We are ready to take off. कसप्पू भाई फोकस। हेलो पापा, एप्स बोलू छो। कौन एप्स? आपका बेटा अप्पू, भूल गए क्या मुझे? वो है कथेड़ा। क्या पापा? हाँ बोल अबे। ए पापा, आपको लगता था ना आपका अप्पू एकदम पप्पू है, लेकिन ये पप्पू पास हो गया है। आपको याद है मैं बचपन में पुलिस खेलता था, अब मैं सच में बड़े फील्ड कमांडर के साथ काम कर। कमांडर मरी गयो? आ गए वो फील्ड कमांडर, आ गए, मैं रखता हूँ, आओ जो। सर मुझे ढूंढ रहे ना? ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। एक है सर, आपको मेरे टैलेंट की तारीफ करनी पड़ेगी, कैसे मैंने भीड़ में आपको पहचान लिया। हाय मेके, अजय कुमार। अब चलो। गाइड, मम्मी मरी गया। सर 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 सर, मैं एप्स हूँ। मालूम है आपके फोन में कितने एप्स है वो पता नहीं है, लेकिन आपके साथ ये एप्स ना आपको बड़ा काम आने वाला है। मेरे चेहरे पर मत जाइएगा, मैं 1, 2 का 4, 4, 2 का 1 तो यूं करूंगा। तुम्हारी गर्दन पर कॉकरोच है। ए टैटू है सर, मीनिंग पावर, कभी काम आएगी। ओ अच्छा, मेरे तो नहीं आई। आई नो सर, आपके साथ काम करने का सुनहरा मौका मुझे मेरे दोस्तों ने दिया है, लेकिन पता नहीं। धीरे धीरे पता चल जाएगा। अच्छा, सबको फाफड़ा बांटूंगा। सर हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से पता चला है नताशा भेस बदल के पूरी दुनिया में घूम रही है, और आपने बोला नताशा यही है। अब मैं क्या बोलूं सर? कॉफी बोलो। नताशा के सारे विजुअल्स जो सीसीटीवी फुटेज से मिले हैं उसे पाइल अप करो। सुन लिया गाइस, जो बोला है वो जल्दी करो। हेलो। ये क्या रागनी है? जब मैं सामने था तब क्यों नहीं बताया? अगर सामने बताती तो आप बहुत खुश होते। और हर पत्नी का सपना होता है अपने पति के चेहरे पर ऐसी खुशी देखना, लेकिन अगर बता देती तो आप मिशन पर नहीं जाते। और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। ये मिशन आपके लिए जितना जरूरी है उतना ही मेरे लिए भी है। शाम को डॉक्टर के पास जा रही हूँ, वहाँ से कॉल करती हूँ, ठीक है? हम रेडी हैं सर। टेक केयर। नताशा का चेहरा इस वाले में 100% मैच हो रहा है, इसमें 80% मैच हो रहा है और इसमें 60% मैच हो रहा है सर। That's the one. है?
इसी जगह पर नताशा को बार बार देखा गया है। एनी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑन दिस रोड? जैसे कि एयरपोर्ट? नहीं सर। ट्राम स्टेशन? नहीं सर। स्कूल्स? नथी। मॉल्स? ना सर। पब्स? चांस ही नथी। किस तरफ कोई हॉस्पिटल है? हाँ सर, प्रिंसटन हॉस्पिटल, यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। For you, Mister. Thank you. Princeton Hospital, right? Get well soon. Thank you, Uncle. Good morning. Morning, sir. मुझे स्टाफ की पूरी लिस्ट चाहिए। Right away. बीस मिनट के अंदर ये सारे डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस रूम में होने चाहिए। Apps. Yes, sir. तो क्या बच्चे ने बोला? No, sir. सर, पैसे की चिंता मत करो, सबके लिए मंगाओ ना, पैसे मैं दूंगा, अहमदाबाद के दो खेतर भेज दूंगा। Apps. तो क्या बच्चे ने, प्लीज। Okay, सर। It's a wonderful day, right? क्या आपको खुशी नहीं, आप जिंदा है? आप सब डॉक्टर्स हैं, लोगों को बचाने का महान काम करते हैं, आपको मेरा प्रणाम। मेरा भी आप लोगों को इस महान काम के लिए सलाम हो। मेरा भी एक पेशा है, अगर लोगों की जान बचाना आपका काम है तो उनकी जान लेना मेरा काम है। जिसे कोई ढूंढ नहीं सकता उसे ढूंढ निकालना, जिसे कोई मार नहीं सकता उसे मारना, यही मेरा पेशा है। जिस तरह मैं आपके काम की रिस्पेक्ट करता हूँ, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे काम की रिस्पेक्ट करें। आपके सामने जो लैपटॉप रखे हैं उसमें एक इमेज आएगी, 30 सेकंड तक उसे ध्यान से देखिए। जेंटलमैन, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, आप लोग जा सकते हैं। डॉक्टर एल्फ्रेड,